नमस्कार, सलाम, हेलो, वेलकम टू माय चैनल एफएम हल्लौर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप फाइव पांच दुनिया के देवता और गॉड्स के बारे में। और इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि इन देवताओं को कौन से रिलीजन के लोग मानते हैं। इस तरह की वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है क्योंकि आप लोग दुनियावी टॉपिक को ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये चलते शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को इंट्रो के बाद। नंबर वन, बुद्धा सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें आमतौर पर बुद्ध के रूप में जाना जाता है, एक भटकते हुए तपस्वी और धार्मिक शिक्षक थे जो छठी या पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान दक्षिण एशिया में रहते थे और बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध परंपरा के अनुसार उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो अब नेपाल में है। गौतम बुद्ध शाक्या एम्पायर में एक अमीर वंश में पैदा हुए और फिर अपनी अमीरी में रह रहे जीवन को त्याग कर लोगों को अपने मोहमाया को त्यागने की शिक्षा देना शुरू किया और वो शिक्षा देने के बाद भटकते हुए तपस्वी के रूप में रहने के लिए उन्होंने अपना घरेलू जीवन त्याग दिया। तपस्या और ध्यान का जीवन जीने के बाद उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ, जो अब भारत है। इसके बाद बुद्ध निचले सिंधु गंगा के मैदान में घूमते रहे, शिक्षा देते रहे और मठवासी व्यवस्था का निर्माण करते हुए लोगों को सही रास्ता बताते हुए उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। तब से पूरे एशिया में कई धर्मों और समुदायों द्वारा बुद्ध की पूजा की जाती है और आज के दिन में 80% चाइना के लोग बुद्धिज्म रिलीजन को मानते हैं। नंबर टू, महावीर जैन। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व भारत के बिहार राज्य में हुआ था, जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 24 नंबर के प्लेस पर ज्ञान देने वाले गॉड्स के प्लेस पर आते हैं या फिर लॉर्ड कह सकते हैं। उन्होंने ट्रूथफुलनेस, सत्य, नॉन स्टर्लिंग असत्य, कंट्रोल ऑफ सेंसेस इंक्लूडिंग माइंड, ब्रह्मचार्य एंड नॉन पोसेसिवनेस के साथ जैन धर्म को फिर से बढ़ावा दिया और पांच नैतिक शिक्षाओं के साथ जैन धर्म को पुनर्जीवित किया। महावीर ने उपदेश दिया कि अहिंसा, चोट न पहुंचाना सर्वोच्च गुण है। वो जैन धर्म के संस्थापक नहीं है, उनके पहले पिछले 23 तीर्थकर यानी धर्मा गुरु हुए थे। फिर से जैन धर्म धीरे धीरे उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक तक फैल गया। महावीर जैन को आज भी जैन धर्म के मानने वाले महावीर जैन को भगवान या लॉर्ड कहकर वर्शिप करते हैं। नंबर थ्री, हिंदुत्व लॉर्ड ब्रह्मा। हिंदू धर्म सभी संस्थापित विश्व प्रणालियों में से सबसे पुराना और सबसे जटिल है, जिसकी उत्पत्ति भारत में 5000 साल से भी अधिक समय पहले हुई थी। हिंदू धर्म का कोई ज्ञात पैगंबर या एकल संस्थापक नहीं है, मतलब कि हिंदू रिलीजन के फाउंडर कौन है किसी को नहीं पता। फिर भी हिंदू धर्म के गॉड्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। नंबर वन, लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा को हिंदू माइथोलॉजी में त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है और आपको बता दूं कि हिंदू में इनको क्रिएटर माना जाता है और ब्रह्मा को सामने पर देखने पर तीन सर दिखाई देते हैं, पर वास्तव में इनके चार सर होते हैं। कुछ हिंदू का मानना है कि लॉर्ड ब्रह्मा के बाकी के दो सरों में लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णुआ भी शामिल हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा के चौथे अवतार में महादेवी का वास है, इसलिए जिस तरह ब्रह्मा ने पृथ्वी को बनाया उसी तरह हिंदू धर्म की भी स्थापना की। जीसस क्रिस्ट। क्रिश्चियनिटी के फाउंडर जीसस क्रिस्ट को कई नामों से जाना जाता है। जीसस क्रिस्ट, यीशु, ईसा मसीह, आपकी जानकारी के लिए बता दें इनके सभी नाम अलग अलग हैं लेकिन अलग अलग टाइम पर यूज़ किए गए हैं। जीसस दुनिया की सबसे बड़े रिलीजन क्रिश्चियनिटी के लॉर्ड हैं, जिसको कि आज भी दो रिलीजन के लोग मानते हैं। जीसस के जीसस क्रिस्ट नाम से क्रिश्चियनिटी मानती है और हज़रत ईसा के नाम से मुसलमान रिलीजन के लोग इनको अपने नबी के रूप में मानते हैं। जीसस के बर्थ ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था, जो कि उपजाऊ चूना पत्थर पहाड़ी देश में स्थित पवित्र भूमि है। यरूशलेम में 10 किलोमीटर दक्षिण में। दुनिया भर में लाखों लोग 25 दिसंबर को यीशु के जन्मदिन के रूप में क्रिसमस दिवस मनाते हैं।
जो यीशु का बर्थडे उत्सव होता है। नए नियम के अनुसार यीशु को यरूशलेम के बाहर उस स्थान पर सूली पर चढ़ाया गया था जिसे कहा जाता है गुलगुता, जिसका आरामी भाषा में अर्थ है खोपड़ी का स्थान। खोपड़ी के लिए लैटिन शब्द कैलवेरिया है और अंग्रेजी में कई ईसाई क्रूस पर चढ़ाए जाने के स्थान को कैलवेरी कहते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद यानी कि नबी मोहम्मद साहब को अल्लाह का लास्ट प्रॉफेट माना गया और प्रॉफेट मोहम्मद ने इस्लाम धर्म को बनाया। मोहम्मद बिन अब्द अल्लाह बिन अब्द अल मुत्तलिब लगभग 570 से 8 ईस्वी को अल्लाह की मुहर माने जाते हैं और इस्लाम की सभी मुख्य शाखाओं में ईश्वर के पैगंबर हैं। मुसलमानों का मानना है कि कुरान इस्लाम का केंद्रीय धार्मिक पाठ अल्लाह के द्वारा मोहम्मद को बताया गया था और मोहम्मद को इस्लाम को बहाल करने के लिए भेजा गया था, जिसके बारे में उनका मानना है कि मोहम्मद के साथ अल्लाह का क्रिएशन नहीं हुआ बल्कि ये आदम मूसा यीशु और अन्य पैगंबर की तरह एक नबी हैं और मोहम्मद और उनके भाई हजरत अली इस्लाम के फादर हैं। मोहम्मद ने कुरान के साथ जो धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत स्थापित किए वे इस्लाम और मुस्लिम दुनिया की नींव बने। इस्लाम दुनिया में फैलने वाला सेकेंड रिलीजन है और मुसलमानों का मानना है कि इनके आखिरी इमाम हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में अल्लाह द्वारा भेजे जाने पर आएंगे। और लास्ट जो मजहब है, जो रिलीजन है, वो है यहूदी यानी कि ज्यूज। ज्यूज को इसराइल में रहने वाले लोगों द्वारा माना जाता है और आजकल चल रही फिलिस्तीन और इसराइल की लड़ाई में आप लोगों को बाखूबी तौर पर इसराइल और वहाँ के धर्म के बारे में पता होगा। वेल दोस्तों, ये थे टॉप 5 रिलीजन लॉर्ड और गॉड्स। वेल अगर ये था कि टॉपिक पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में मोर वीडियो लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।